पकौड़े बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, और ये जमा जम बारिश में आप इस पकौड़े को ज़रूर इंजॉय करें आप तीखी मीठी चटनी के साथ। तो आज मैं इस रेसिपी को टमाटो केचप के साथ फ्रेंड्स इंजॉय करने जा रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं अनीता और मेरे किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो मैं आज बारिश के मौसम में आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ। आपने पकौड़े तो बहुत तरीके से फ्रेंड्स खाए होंगे, लेकिन आज मैं एमपी की बहुत ही फेमस रेसिपी लेके आई हूँ, आलू बोंडा की रेसिपी, जिसे हम अक्सर बारिशों में फ्रेंड्स बनाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स, आप किसी भी मौसम में इसे बना के खा सकते हैं। लेकिन आजकल बारिशों के मौसम में फ्रेंड्स पकौड़े खाने का तो सभी का दिल करता होगा। तो चलिए हम बनाते हैं बोंडा की रेसिपी, आलू बोंडा। तो हमने ले लिया है मेजरिंग कप से 1 कप हमने ले लिया है बेसन। आप किसी भी कटोरी या कप से आप सेट कर लीजिए, उसी से आप बेसन लीजिए। अब इसमें हम थोड़ा सा इसे हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में फ्रेंड्स, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं उसी ट्रिक से मैं आपको बता रही हूँ, और वो बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स बनते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ 1 चम्मच 1 टेबल स्पून भर के सूजी, जो इसमें हम मिक्स करेंगे। इसे बहुत ही बोंडा का जो बैटर है बहुत ही टेस्टी बनेगा, बिल्कुल मार्केट की तरह जैसे आप लोग खाते हैं उसी तरह। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। इसमें हमने ले लिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हम अजवाइन ले लेंगे फ्रेंड्स। इसमें बहुत ही अच्छा लगता है बटर में, और इसको हमें क्रश कर लेना है। तो इसको हम इस तरह हाथों से क्रश करके इसको इसमें डाल देंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देते हैं। तो 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। अब इन्हें हम इसके बैटर को घोल लेते हैं। तो ये हमने ले लिया है पानी 1/2 कप, और इसको हम इसमें मिक्स करेंगे, और धीरे धीरे पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा हम बैटर तैयार कर लेंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें और हमें पानी ऐड करना है। इसको अच्छे से हम इस तरह मिक्स कर ले रहे हैं। इसको अच्छे से फ्रेंड्स हम फैट लिए हैं, इसमें लगभग 1 कप बेसन में हमें 1 कप पानी इसमें हम ऐड किए हैं, और देखिए बिल्कुल बैटर हमें इसी तरह चाहिए। अब इसको हम 5 मिनट के लिए फ्रेंड्स रेस्ट पर रख देते हैं, तब तक इसकी हम फिलिंग बना लेते हैं। तो हमने ये आलू को बॉयल कर लिया है फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसकी मज़ेदार स्टफिंग बनाने की ओर। जो हलवाइयों की ट्रिक होती है फ्रेंड्स, मैं उसी ट्रिक के साथ आपको बता रही हूँ कि बहुत ही टेस्टी आपकी इसकी स्टफिंग बनेगी फ्रेंड्स। तो हमने एक पैन गरम कर लिया है, जिसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भर के बेसन, जिसे हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। आप इसी ट्रिक से फ्रेंड्स बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी आपके आलू बोंडा बन के तैयार होंगे। अब इसको हमें कुछ मिनटों के लिए इसे चलाते हुए भून लेना है, जिसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसको फ्रेंड्स भून लिए हैं, और इसके कलर भी हल्के हल्के चेंज हो गए हैं, बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में।
पैन को फ्रेंड्स हम गरम कर ले रहे हैं, अब यहीं हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून भर के मस्टर्ड ऑयल। आप जो भी कुकिंग ऑयल पसंद करते हैं फ्रेंड्स, आप उसमें ये इसकी स्टफिंग बना दीजिए गोंडे की, और इसे हम गरम कर लेते हैं। तेल हमारा अच्छे से फ्रेंड्स गरम हो जाए तो हम 1 टेबल स्पून इसमें खड़ी धनिया और सौंफ को दरदरा सा कूट लिए हैं उसे हम डाल देते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और साथ साथ हम यहाँ 1 इंच अदरक क्रश किए हैं उसे ऐड कर देते हैं, और यहाँ हम डाल देते हैं 3 से 4 हरी मिर्च जिसे कट किए हैं। भून लेंगे। आप यहाँ फ्रेंड्स इस जगह प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बिना प्याज का बना रही हूँ। फिर इसमें लहसुन डालेंगे। आप चाहे अगर लहसुन पसंद नहीं करते हैं तो आप लहसुन को स्किप कर दीजिए। तो हम यहाँ 2 से 3 लहसुन डाल दे रहे हैं बारीक कट करके, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले फ्रेंड्स ऐड करेंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च इसमें डालेंगे, 2 चम्मच हम पानी ऐड कर दिए हैं फ्रेंड्स, ये मसाले जले ना। अब यहाँ हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून भर के अमचूर पाउडर, इनको सभी को मिक्स कर लेंगे। अब यहीं डाल लेते हैं फ्रेंड्स जो हमने आलू को उबाले थे उसे, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्टफिंग को फ्रेंड्स अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं मसालों में। अब इसमें हम फ्रेश डाल लेते हैं कटा हुआ धनिया। ये आपकी स्टफिंग बन गई है गोंडा बनाने के लिए। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की ओर। गैस को करती हूँ ऑफ। 2 चुटकी हम इसमें डाल दे रहे हैं बेकिंग सोडा फ्रेंड्स, ये मीठा सोडा है खाने वाला। इससे बहुत ही आपकी बैटर जो है फ्लफी बनेंगे, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें हम डाल देते हैं 1 नींबू का रस, जो अक्सर हलवाई फ्रेंड्स डालते हैं, और यही उनका ट्रिक है जिससे बिल्कुल फ्लफी आपके बनते हैं ये इसके बैटर। तो इसमें हम 1 नींबू डालेंगे टोटल। और अभी हमारे ये बेसन गाढ़े हैं फ्रेंड्स, तो इसमें थोड़ा पानी और मिला लेंगे हम, जिससे बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाए जिससे बोंडा बनाने के लिए। तब तक इसकी स्टफिंग फ्रेंड्स ठंडी हो रही है। इसमें भुना हुआ फ्रेंड्स बेसन डाल दिए हम, जो हमने पहले भुने थे। इसी ट्रिक से फ्रेंड्स हलवाई बनाते हैं, जो बहुत ही टेस्टी बनता है उनका बोंडा, और वो गीले नहीं होते। नहीं तो अक्सर आलू में फ्रेंड्स मॉइस्चर आ जाता है, जिससे ये बेसन जो हमारा सोखता है और ये गीला नहीं होता है बोंडा की जो स्टफिंग है। तो इसको हम पहले तैयार कर लेते हैं अच्छे से। तो हम इसमें 2 चम्मच हमने इसमें डाले थे बेसन भुने थे फ्रेंड्स, उसको ऐड कर देते हैं, और इससे बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट आएगा। फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको आती हो पसंद, तो प्लीज़ लाइक शेयर
करना न भूले, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसके हम बना लेते हैं छोटे छोटे बॉल्स, जिसे हमें डीप करना होगा। अभी तो हमने ले लिया है एक स्पून और इसी नाप से फ्रेंड्स अगर आप बनाएंगे तो एक बराबर आपके बोंडे बनके तैयार होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हाथ में चिपक नहीं रहे हैं और ये बिल्कुल हमारा बॉल्स की तरह बोंडा बनके तैयार हो जा रहा है। तब तक उधर हम रख देते हैं कढ़ाई, जिसमें हमें इसे तलना है। बोंडा फ्रेंड्स बना लिए हैं और थोड़ी सी जो स्टफिंग है हमारे पास, इसके हम दो तरह के नाश्ते फ्रेंड्स बनाएंगे। ये बोंडा का हमने बना लिया है, यहाँ हमारे पास पाव थे फ्रेंड्स, तो बच्चों की फरमाइश में मैं इसका स्टफिंग करके फ्रेंड्स और उसको भी हम छान देंगे, जो बेसन का जो हमने घोल तैयार किया है। इस तरह के ब्रेड को हम कट कर लेंगे और जो इसकी स्टफिंग है फ्रेंड्स इसमें हम भर देंगे। इससे भी आपका जो है बहुत ही टेस्टी जो है आपके ये नाश्ते बनके तैयार होंगे। बच्चे या बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे फ्रेंड्स। तो इसको हम इस तरह लगा के रख दे रहे हैं और उधर हमने तेल गरम कर रहे हैं फ्रेंड्स कढ़ाई को, उसे ज़्यादा हमें हॉट नहीं करना है। और इस तरह कट के फ्रेंड्स इसमें हम सारी फिलिंग्स जो है इसको आराम से इस तरह स्टक कर देंगे और इसको हम बेसन में छान देंगे। तो हम एक बैटर से एक स्टफ से फ्रेंड्स दो तरह के हम नाश्ते तैयार कर सकते हैं। और वीडियो को फ्रेंड्स पूरा आप देखिए अंत तक, एक एक हम ट्रिक से आपको बता रहे हैं। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ते बरसात के मौसम वाले। फ्रेंड्स गर्म हो गए हैं, हम डालते हैं बोंडा को। बोंडा को हमने ले लिया है बाउल और इसमें हम डीप करेंगे। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये हम एक 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 डीप करके इसको हम डालेंगे कढ़ाई में। और पूरा मीडियम फ्लेम पे है फ्रेंड्स आपके तेल। इसी तरह हम पूरे बोंडे को डाल देते हैं जितना इसमें स्पेस है। और इसमें फ्रेंड्स आप इसके ऊपर गरम गरम तेल डालते रहिए कि इसका शेप जो है बिगड़े ना, बिल्कुल एक शेप में रहे बोंडा। इसको आप छलनी से इसके ऊपर गरम गरम तेल डालते रहिए। बोलो कितना सुंदर इसका बोंडा फ्रेंड्स तैयार हो गया है। अब इसको दूसरे तरीके से हम इसको इस तरह टर्न कर देते हैं कि दोनों तरफ अच्छे से सिक जाए। दूसरा बैच भी फ्रेंड्स हमने बोंडा तैयार कर लिया है। ये देखिए मस्त इसका कलर आया है। इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सुंदर सुंदर ये बन गया है बोंडा, बिल्कुल गोल गोल। अब इसकी जो एक्स्ट्रा ये बेसन के हैं पकौड़े, इसके में इसको भी हम निकाल के तेल को साफ कर लेते हैं और बनाते हैं हम ब्रेड के पकौड़े। एक ही स्टफिंग से हम दो तरह के नाश्ते फ्रेंड्स तैयार कर रहे हैं। तो हमने ले लिया ये स्टफिंग फ्रेंड्स और इसमें हम डाल देते हैं इस ब्रेड को। इसको अच्छे से हम कोट करके अब इसमें हम डाल देते हैं कढ़ाई में। इसको उल्टा फ्रेंड्स डालेंगे पहले, इसको इस तरह दबा देंगे, फिर इसके ऊपर हम इसको टर्न कर लेंगे ताकि इसके सिर्फ फ्रेंड्स अच्छे रहें बिगड़े ना।
तो पहले इसे आप उल्टा ही डाल लें, जिससे आपके पकोड़े ब्रेड पकोड़े जो है पाव के वो बहुत ही टेस्टी बने और देखने में भी फ्रेंड्स सुंदर लगे। क्योंकि कढ़ाई फ्रेंड्स छोटी है तो हम एक बार में एक ही पकोड़े डाल रहे हैं, हलवाइयों के पास तो बहुत बड़े बड़े उनके पास कढ़ाई रहती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये सीख गए हैं, अब इनके वही हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब ये दूसरा ब्रेड फ्रेंड्स डाल रहे हैं, इसको हम उल्टा ही डालेंगे फ्रेंड्स और इसको डीप कर देंगे। अब इसको हम टर्न कर लेंगे दूसरे साइड, ये तबियत खराब ना हो। कुछ ट्रिक को फ्रेंड फॉलो करें तो आप मार्केट से भी अच्छा आप अपने किचन में बना सकते हैं नाश्ते। पकौड़े फ्रेंड्स बना लिए हैं। अब ये थोड़ा हरी मिर्च है जिसे फ्राई कर देंगे और इसे हम बीच से कट कर दिए हैं, नहीं तो मिर्चें उड़ने लगेंगे। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ा, और ये ढोंडे के साथ हरी मिर्च बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड। थोड़ा सा फ्राई करके इसे हमें निकाल लेना है, ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड। तब चलिए इसे हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। हलवाई से भी टेस्टी फ्रेंड्स हमने बनाए हैं बोंडा, आलू के बोंडे, और साथ में उसके स्टफिंग से हम बनाए हैं ब्रेड, ब्रेड में भी हम बनाए हैं पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा आप इसे कह सकते हैं। एक बेटर और एक स्टफिंग से हम दो तरह के नाश्ते फ्रेंड्स कैसे बना सकते हैं आप इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और बोंडा फ्रेंड्स एकदम कुरकुरे बने हैं, इसे हम आपको कट करके फ्रेंड्स दिखा देते हैं। बोंडा को देखिए फ्रेंड्स, हम ये काटेंगे तो बिल्कुल अंदर से जालीदार होगा, और ये देखिए फ्रेंड्स अंदर से बिल्कुल जालीदार है, और स्टफिंग इसकी भी कितनी लाजवाब है फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक को ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी आई हो पसंद, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर आई हो पसंद, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी न्यू वीडियो है आप तक इजीली मिलते रहें। फिर मिलूंगी मैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज जा रही हूँ मैसूर बोनो।